नमस्कार। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की कड़ी में आज हमारा टॉपिक है प्रार्थना समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी। इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम। आर्य समाज और ब्रह्म समाज की बात कर चुके हैं। हम भारत में किस प्रकार से 19वीं सदी में पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण का युग आया और राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था, अग्रदूत माना जाता है, अग्रणी माना जाता है, इसमें माना जाता था वाली कोई बात नहीं है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया उन्हें, ये चर्चा हम कर चुके हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं, ये जो पूरा टॉपिक है हमारा कि 19वीं सदी में भारत में किस प्रकार से धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ, उससे आ जाते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत रेज हो जाते हैं। तो आज हम प्रार्थना समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। तो प्रार्थना समाज पहले डिस्कस करते हैं। प्रार्थना समाज जिसे कि बोला गया प्रेयर सोसाइटी, जिसे हम प्रेयर सोसाइटी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रेयर सोसाइटी कहा गया। तो ये पश्चिमी भारत में इसका जो है उदय होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो काम ब्रह्म समाज कलकत्ता में और बंगाल में कर रहा था, वही काम यहाँ पर प्रार्थना समाज जो है, प्रेयर सोसाइटी जो है, महाराष्ट्र में कर रहा है। बम्बई में इसकी स्थापना होती है 1867 में। तो कई बार कई बुक्स में कहा जाता है, ये लिखा हुआ होता है कि इसकी स्थापना जो है, इसकी फाउंडेशन जो है वो केशव चंद्र सेन ने की। ये वही केशव चंद्र सेन है जिसका जिक्र हमने ब्रह्म समाज वाले लेक्चर में किया था कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया नामक अलग से ब्रांच बना ली, अलग से एक शाखा बना ली थी ब्रह्म समाज की। तो वो भ्रमण कर रहे थे, वो अपना यात्रा पर थे इंडिया के, ब्रह्म समाज के विचारों को फैलाने को लेकर। इसी सिलसिले में वो बम्बई पहुंचते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है आत्माराम पांडुरंग से, जो अपने स्तर पर, अपने लेवल पर समाज सेवा का कार्य कर रहे थे। आत्माराम पांडुरंग को वो प्रेरणा देते हैं। तो ये जो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है वो एक्चुअल में केशव चंद्र सेन नहीं करते हैं, वो आत्माराम पांडुरंग करते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि हु इज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, तो आंसर हमारा ये होगा आत्माराम पांडुरंग। तो 1867 में इसकी बॉम्बे में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। और बॉम्बे और बॉम्बे के आसपास, अब हम उसे मुंबई कहते हैं, तब प्रार्थना समाज बहुत अधिक फैला और उनके साथ महादेव गोविंद रानाडे, हंकी रानाडे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, तो इन्हें महादेव गोविंद रानाडे इनका पूरा नाम है, महादेव गोविंद रानाडे। ये भी एक बहुत अग्रणी समाज सुधारक थे पश्चिमी भारत के, हंकी रानाडे। और आर जी भंडारकर जो मैंने लिखा है, ये हिस्टोरियन रहे हैं, ये इतिहासकार रहे हैं। तो हंकी रानाडे और आर जी भंडारकर भी आत्माराम पांडुरंग के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं इस कार्य में और प्रार्थना समाज को फैलाने में उनकी सहायता करते हैं। और एमडी रानाडे, महादेव रानाडे और जो भंडारकर हैं, वो बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक बहुत बड़ी संस्था है जो बॉम्बे में काम कर रही है प्राकृतिक वातावरण को उसी तरह से सहित कर रखने में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उस संस्था का नाम है और इससे भी वो जुड़े हुए थे, इसके आप फाउंडर मेंबर कह सकते हैं रानाडे और भंडारकर को। और उन्होंने सबने मिलकर प्रार्थना समाज को बनाया या प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाया। मुख्य जो बातें प्रार्थना समाज में, प्रेयर सोसाइटी में थी, वो उन ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट नहीं थी जो और इलाकों में और दिशाओं में भारत के ऊपर आई थी। जैसे कि हमने आर्य समाज की बात की कि जिसकी फाउंडेशन तो पश्चिमी भारत में होती है, टंकारा में उनका जन्म हुआ, तो बॉम्बे में ही सबसे पहले ब्रांच खोली गई, लेकिन उसका फैलाव जो हम देखते हैं ज़्यादा वो उत्तर भारत में देखते हैं, वो पंजाब की दिशा में ज़्यादा देखते हैं। और इसी प्रकार का कार्य कुछ ब्रह्म समाज बंगाल में कर रहा था, पूर्वी भारत में कर रहा था। तो कार्य वही है, ऑलमोस्ट वही बातें होती हैं कि समाज में सुधार किस प्रकार से लाया जाए, किस प्रकार से सोसाइटी में रिफॉर्म्स किए जाएं, किस प्रकार से जो रिलीजन में
एक अंधविश्वास आ चुके हैं, एक ट्रेडिशनैलिटी आ चुकी है, कुछ रूढ़िवाद पैदा हो चुके हैं, उसे हटाया जाए। तो उन्हीं बातों को पश्चिमी भारत में प्रार्थना समाज में किया, हिंदू धर्म में सुधार लाना। और मेन बात ये थी कि इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिक, कि जो रिलीजन है अगर हम उसकी किसी भी रस्म को मानते हैं, किसी भी रिवाज को मानते हैं, या किसी भी नियम को मानते हैं, किसी भी सिद्धांत को मानते हैं, या जो भी हम करते हैं, जो भी हमारी कोई धार्मिक दिनचर्या हो, वो जो धार्मिक दिनचर्या है वो रीजनिंग और लॉजिक पर बेस होनी चाहिए, वो तर्क आधारित होनी चाहिए। काम करने से नहीं रुका गया, कार्य करने से नहीं रुका गया। हिंदू धर्म की कोई निंदा नहीं की है उन्होंने, उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार लाने की कोशिश की, वो भी इस बेस पे कि आप वो बात रीजनिंग और लॉजिक के बेस पर करें। और नो प्लेस फॉर रिचुअल, रस्मों रिवाज का कोई स्थान नहीं होना चाहिए हिंदू धर्म में, विशेषकर उन रस्मों रिवाजों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो तर्क आधारित ना हो। तो कुछ मिलते जुलते सिद्धांत जो आर्य समाज कर रहा था और जो ब्रह्म समाज कर रहा है, एकेश्वरवाद की बात की है, ब्रह्म की बात की है, कुछ वैसी ही बातें यहाँ पर प्रार्थना समाज भी कर रहा है। समाज के क्षेत्र में भी कमोबेश वही बातें होती हैं, वही बातें हैं। विधवा विवाह की बात है वो की गई है, विधवा स्वावलंबन की बात की गई है कि उसकी अपनी कमाई का जरिया होना चाहिए। पहले तो ये वकालत की गई कि विधवा को पुनर्विवाह करने की आज्ञा दी जाए, क्योंकि समाज में वो नहीं था, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो एटलीस्ट वो एक सेल्फ स्टैंड जो है वो होनी चाहिए इकोनॉमिकली। विधवा स्वावलंबन की बात जो है वो राणा डे और भंडारकर ने की है, जाति प्रथा उन्मूलन की बात की है कि कास्ट सिस्टम को हटाया जाना चाहिए। और रमा राणा डे, जो MG राणा डे, महादेव राणा डे की वाइफ थी, उन्होंने स्त्री उद्धार के लिए अलग से कार्य जो है वो प्रार्थना समाज के अंदर और प्रार्थना समाज के बाहर बैठकर भी वो अलग से कार्य कर रही थी। तो कुछ प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि राणा डे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। आई रिपीट कि जो महादेव गोविंद राणा डे हैं, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और एक प्रश्न भी आ जाता है, और एक भंडारकर फ्री लाइब्रेरी भी खोली गई प्रार्थना समाज के साथ साथ भंडारकर के नाम पे, और ये भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रही थी, क्योंकि ये पुस्तकालय जो था वो फ्री था और कोई भी यहाँ पे आके पढ़ सकता था। और इसके साथ मैं बात कुछ करना चाहूँगा पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज की। पुणे में एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है फर्ग्यूसन कॉलेज, जो कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी चलाती है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, ये भी एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बन जाते हैं, हिस्ट्री से तो है ही है, हिस्ट्री से रिलेटेड तो है, और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी ये बन जाते हैं कि पुणे का एक बहुत मशहूर कॉलेज है फर्ग्यूसन कॉलेज, उसे कौन रन करता है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को स्टार्ट प्रार्थना समाज ने ही किया था। ठीक है, प्रार्थना समाज ही इस सोसाइटी को चला रही थी, और आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में इस सोसाइटी ने पुणे और पुणे के आसपास काम किया, जैसे आर्य समाज ने DAV संस्थाओं को ऊपर किया, DAV संस्थाएं खोली थी, कुछ उसी प्रकार का कार्य यहाँ पर जो है वो ये हो रहा है। तो पुणे में ही भंडारकर ओरिएंटल एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो पुणे में है, वो भी शुरू में शुरुआती दिनों में जो है वो प्रार्थना समाज से जुड़ा हुआ था, और बाद में जाकर वो है वो अलग होता है। तो प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी की बात जो है जहाँ तक है, तो जो काम जो है वो पूर्वी भारत में ब्रह्म समाज कर रहा है और उत्तर भारत में कमोबेश आर्य समाज ने किया, वैसा ही काम जो है वो पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न इंडिया में प्रार्थना समाज ने किया। बात कर लेते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसकी फॉर्मेशन 1875 में हो रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और मैडम HP ब्लावत्सकी और कर्नल ओलकोट। आई रिपीट द नेम्स, मैडम HP ब्लावत्सकी और कर्नल ओलकोट जो हैं वो अमेरिका के हैं और ये USSR है ना, पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन कि कहाँ USSR और USA में जो है शीत युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा, लेकिन यहाँ पर एक समाज सुधार की सोसाइटी जो है वो फॉर्म की जा रही है। वो मैडम ब्लावत्सकी जो उनका संबंध रशिया से है, वो कर्नल ओलकॉट जिनका संबंध अमेरिका से है, वो फॉर्म करते हैं, वो बना रहे हैं, है ना। और इंस्पायर कहाँ से होते हैं, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा एक तरह से उन्हें भारत के प्राचीन इतिहास या प्राचीन जो पद्धति चल रही थी यहाँ पर, एक अध्यात्म की पद्धति वहां से मिलती है। और अध्यात्म की पद्धति में ओकल्टिज्म
या तांत्रिकवाद जिसे हम बोलते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या ओकल्टिज्म, तांत्रिकवाद एक अलग से वाद भी हम इसे कह सकते हैं, एक अलग से ब्रांच भी कह सकते हैं, और बुद्धिज्म में भी एक तंत्र विद्या से जुड़ी हुई अलग शाखा है। तो तांत्रिकवाद से ये प्रेरित होते हैं मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट, और थियोसॉफिकल सोसाइटी को फॉर्म करते हैं यूएसए में, अमेरिका में करते हैं। और वो देवर अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ पैंथियन ऑफ गॉड्स, ठीक है ना, क्यों कहते थे ये क्या बात हुई भी, उत्तर भारत के अलग से कुछ देवता हैं, साउथ इंडिया के अलग से हैं, पश्चिम भारत के अलग से हैं, अलग से देवी हैं, अलग से देवी देवियां हैं, 3300 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं, स्टैचू वर्शिप हो रही है, आइडल वर्शिप हो रही है, मूर्ति पूजा चलता जा रहा है, तो ये तो एक सुप्रीम पावर नहीं है, वो इसको सुप्रीम पावर नहीं मानते थे, दीज आर जस्ट एक टूल्स, वो इनको एक टूल्स मानते थे। तो कहते हैं टूल्स की जरूरत क्या है, आपको औजारों की जरूरत ही क्या है, देयर शुड बी अ डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ मैन एंड गॉड, ईश्वरीय शक्ति जो गॉड है और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। वो डायरेक्ट कनेक्शन कैसे आ सकता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन जो चिंतन ध्यान व योग से आ सकता है। तो यहाँ पे जो मैं तीन वर्ड्स लिखे हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों वर्ड जो है हमारे प्राचीन आध्यात्मिक पद्धति जो थी वेदों के टाइम से, वहां पर भी इन तीनों पर जोर दिया गया है, चिंतन ध्यान व योग। तो चिंतन ध्यान व योग से ही एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो मिल सकता है ईश्वर और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, और जो ये बीच में एक तरह से मिडल मैन आ जाते हैं बाबाओं के रूप में, अगर जो कहते हैं कि हम आपको ईश्वर तक पहुंचा देंगे, तो थियोसोफिकल सोसाइटी ने उसको सिरे से नकारा है कि ये सब एक भूल भुलैया है, एक छलावा है और इन बातों में नहीं आना चाहिए। तो समाज सुधार का ये आंदोलन कम था, ये एक तरह से धार्मिक सुधार आंदोलन ज्यादा था, और वो भी एक डायरेक्ट कनेक्शन की बात करने वाला आंदोलन, और ओकल्टिज्म और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास करने वाला ये आंदोलन माना जा सकता है। वाराणसी में भी ब्रांच खोली गई 1902 में, लेकिन उससे पहले मद्रास के निकट अड्यार, ये प्रश्न आ जाता है, ये प्रश्न एक बहुत बार आता है, बहुत फेमस प्रश्न है ये कि हेडक्वार्टर कहाँ है जी इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो अड्यार में है मद्रास के पास तमिलनाडु में, और इसे लीड कर रही थी एनी बेसेंट, ठीक है, वो जो ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट साहब है वो भारत नहीं आए, भारत में जो है और लीड कौन कर रहे हैं, वो एनी बेसेंट लीड कर रही है, एनी बेसेंट हेड है थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर की अड्यार में। और वाराणसी में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांच खोली जाती है 1902 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की, और वाराणसी क्योंकि वो एक बुद्धिज्म का भी गढ़ है, सारनाथ वाराणसी के बिल्कुल पास, और सनातन धर्म से भी एसोसिएटेड है, और प्राचीन होने के कारण वहाँ पर जो एक साधु संतों का जमावड़ा या योगिक शक्तियाँ जो हैं वो वहाँ पर बहुत सी पाई जाती हैं, ये माना ही जाता था, इस प्रकार से वहाँ पर ये खोला गया, इस वजह से ये खोला गया होगा। तो उनका विश्वास जो है वो कर्म के सिद्धांत में भी है और रीबर्थ फिलॉसफी में भी है, पुनर्जन्म सिद्धांत। जब हम पुनर्जन्म सिद्धांत की बात करते हैं और कर्मा के प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल श्री भगवत गीता का सिद्धांत जो है नजर आ रहा है, श्री भगवत गीता की फिलॉसफी हमें नजर आ रही है, और बिल्कुल शुद्ध तौर पर जो है ये भारतीय सिद्धांत की बात है जिसे हम पढ़ते भी आ रहे हैं, और बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसकी बात की है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो भी कर्मा के सिद्धांत की बात करती है और पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी उनका विश्वास है, और जो पुनर्जन्म है वो कर्मा के ऊपर है, वो कर्मा पे ही बेस्ड है कि जिस प्रकार का आपका कर्म होगा उस प्रकार से फल मिलेगा। फल का मतलब यहाँ पर उस जन्म का भी है और उस प्रकार से किसी और जन्म में जाना वो भी उसी कर्म पे डिपेंड करेगा, उसी कर्म पे निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो अपने सिद्धांत लिए या जो अपनी बातें की हैं, हम देखते हैं कि वो शुद्ध तौर पर भारतीय अध्यात्म से ही प्रेरित होकर ली है, इन्होंने कोई समाज सुधार की बात जो है वो नहीं की है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में समझ गए होंगे, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आगे भी हम जो समाज सुधार धार्मिक सुधार आंदोलन है उसकी कड़ी को जारी रखेंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को पसंद कर पा रहे हैं तो
तो सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बावा। थैंक यू वेरी मच।